यूपी का किराना सियासत का नया अड्डा बन गया है। एक के बाद एक राजनीतिक दल यहां अपनी सियासी रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं। बुधवार को बीजेपी का दल यहां पहुंचा था और आज पांच और विपक्षी दल कैराना और कांधला का दौरा करने पहुंच रहे हैं। पांच राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल जिसमें जेडीयू, सीपीएम, एनसीपी और आरजेडी शामिल है, आज कैराना पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जेडीयू की ओर से केसी त्यागी, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम, सीपीआई नेता डी राजा, एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा कांधला और कैराना का सच जानने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 17 जून को बीजेपी सांसद संगीत सोम मेरठ से कैराना तक पद यात्रा निकालेंगे। तो कल बीजेपी का 8 सदस्यीय दल यहां पर जांच करने के लिए पहुंचा था, यहां की हकीकत जानने के लिए, और अब आज पांच विपक्षी दलों के ये नेता पहुंचेंगे। तो वहीं बुधवार को किराना पहुंचे बीजेपी के जांच दल पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। जेडीयू ने किराना की घटना को बीजेपी का झूठा प्रचार करार दिया, तो आरजेडी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। किराना के लोग मेरे पास मिलने आए थे, वहां जो बात फैलाई जा रही, कही जा रही, वो कोई उसमें तथ्य नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो डेपुटेशन लेके जा रहे हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से आपका ये जो दादरी कांड हुआ था उससे सबक ले लेना चाहिए। ये जिस तरह से डेपुटेशन गया ये नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये नुकसान उनको पहुंचाएगा। लोग अब समझ गए हैं, बोर्ड जो है वो अब ठीक बातों होगा, ऐसी लोगों की समझ बनी और बहुत पार्टियां इसमें उत्तर प्रदेश में काम करेंगी। देखिए, सच तो ये है कि कैराना के पूरे मामले में भाजपा बुरी तरह एक्सपोज हुई है। उनके खुद के जो सांसद हैं उन्होंने जो लिस्ट जारी की थी और बाद में मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसका सांप्रदायिकता से हिंदू मुस्लिम मसलों से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग मसले होंगे, अलग अलग प्रस्तावनाएँ होंगी। उसके बाद भी अगर भाजपा और ख़ास करके अमित शाह जी जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनके लिए कैराना वो मुजफ्फरनगर में तब्दील करना चाहते हैं। और श्रवण हमारे साथ है। श्रवण, ये कहीं दरअसल होड़ अब मच चुकी है कि कौन कैराना का सच सामने लेकर आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से माननीय उपम सिंह द्वारा 340 लोगों की सूची जारी की गई